सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल वाइट चैनल को और दबा दीजिए इस बेल आइकन को भी लेटेस्ट टेक्निकल जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और यूट्यूब के चैनल टेक्निकल वाइट में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाले कैसे आप अपने फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर व्हाट्सएप अकाउंट का एक बटन सेट कर सकते हो ताकि जब कोई भी आपके फेसबुक अकाउंट पर आए और वो आपके प्रोफाइल पर उस बटन पर क्लिक करे तो वो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप मैसेज कर सके। तो आप ये कैसे करोगे इसके बारे में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, ये ट्रिक बिल्कुल नया है और ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट नई वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ जिसमें कि आप देखेंगे ये काम कैसे करता है। तो चलिए हम एक डेमो पहले इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे व्हाट्सएप विद अमित के नाम से एक बटन है और जैसे ही कोई इस पर क्लिक करता है वो रिडायरेक्ट होकर यहाँ से मेरे व्हाट्सएप पर आ जाता है बिना मेरे नंबर को अपने फ़ोन में सेव किए हुए। और यहाँ पे हेलो अमित के नाम से एक पहले से मैसेज प्रिंट हो जाता है जिसे वो मुझे यहाँ से सेंड कर सकता है। तो यहाँ आपने देखा कि कैसे कोई भी जो है मेरे फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर जो है उस कोई एक बटन को क्लिक करके जो है वो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है बिना मेरे नंबर को अपने फ़ोन में सेव किए हुए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आप ये कैसे बनाएंगे। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ से आपको ये टेक्स्ट कॉपी कर लेना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वहाँ से आप अगर इसे कॉपी करके कहीं भी आपको इसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं फोन के बाद जो 91 है वो आपका यहाँ पे हमारा कंट्री कोड है, तो यहाँ पे 91 आपको यहाँ पे रहने देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है इसे हटा के यहाँ पे आपको जो आपको अपना 10 डिजिट का फोन नंबर लिखना है। तो आप यहाँ पे अपना 10 डिजिट का, मैं यहाँ पे कोई भी डेमो के लिए आपको कोई भी नंबर लिख करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डेमो के लिए नंबर लिखा है। उसके बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट इक्वल टू में वो मैसेज लिखना है जो कि आप डिफॉल्ट में चाहते हैं कि वहाँ पे व्हाट्सएप में आपका प्रिंट हो, मतलब व्हाट्सएप में आपका आए। तो यहाँ पे आप जो है मैं यहाँ पे डिफॉल्ट मैसेज लिखता हूँ जो कि अपने आप वहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो अमित। तो इतना लिखने के बाद आपको इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी इसके बाद आपको जो है आपके फोन के किसी ब्राउजर में आना है और यहाँ पे आपको एक वेबसाइट पे आना है जो है tiny.cc. तो इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले ही लॉग इन कर लिया था, तो आपको यहाँ पे पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड और एक यूजर नेम क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप जो है यहाँ से उसे लॉग इन कर लीजिएगा। तो लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आपको वो URL पेस्ट करना है जो आपने पहले कॉपी किया था। तो पेस्ट करने के बाद आपको नीचे आपको यहाँ पे tiny.cc में कस्टम का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको एक कस्टम URL बनाना है जो कि पहले से इस वेबसाइट पे ना हो। तो मैं यहाँ पे कस्टम में लिखता हूँ माय व्हाट्सएप नंबर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माय व्हाट्सएप नंबर और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है शॉर्टेन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये कस्टम URL पहले यूज हो चुका था इसलिए मेरा नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जो है कुछ और ट्राई करता हूँ जो कि पहले ना हो, माय व्हाट्सएप आईडी, उसके बाद मैं यहाँ पे शॉर्टेन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा यहाँ पे शॉर्टेन लिंक क्रिएट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नीचे वाले लिंक को इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो नीचे वाले लिंक को कॉपी करने के बाद आपको इसे बंद कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपने फेसबुक अकाउंट पे आना है। यहाँ पे आपको प्रोफाइल में अबाउट के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे फिर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको वो जो आपने कॉपी किया था उसे यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और फिर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका काम हो जाएगा और आपके प्रोफाइल के ऊपर एक बटन आ जाएगा जिस पर क्लिक करके कोई भी आपको व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे आप जो है अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर व्हाट्सएप का बटन सेट कर सकते हैं जिससे कि आपके फेसबुक प्रोफाइल के जरिए ही आपको कोई भी आपका फ्रेंड आपको मैसेज कर सके, व्हाट्सएप मैसेज कर सके। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब